नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। शादी के बाद पांव पूजन में रूठ गया दुल्हा, दुल्हन के घर वालों ने विवाह मंडप में ही जमकर फूटा। विकास कुमार बबलू की रिपोर्ट। बिहार के बक्सर में बारात के दौरान वर और वधु पक्ष के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना में दुल्हा समेत उसके चाचा तथा भाई जख्मी हो गए। घायल चाचा की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिहार के बक्सर में दूल्हे को नाराज होना महंगा पड़ा। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के करहंती गांव में आई बारात के दौरान वर पक्ष और वधु पक्ष के बीच जमकर मारपीट भी हो गई। रविवार की रात हुई घटना में दूल्हा समेत उसके चाचा तथा भाई जख्मी हो गए। वहीं चाचा की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में अभी तक थाना को कोई आवेदन नहीं दिया गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सिकरौल थाना क्षेत्र के जिगना गांव के रहने वाले सुरेंद्र मिश्रा के पुत्र अनिल मिश्रा की बारात मुफस्सिल थाना क्षेत्र के करहसी गांव के रहने वाले उपेंद्र मिश्रा के घर आई हुई थी। शादी संपन्न होने के बाद मंडप में खाना खिलाते समय दूल्हे का पांव पूजने की परंपरा है। इस परंपरा के दौरान जब दूल्हा रूठ गया तब उसके ससुर उपेंद्र मिश्रा उसे मनाने के लिए 1,000 रुपए देने लगे, जिसे लेने से दूल्हे ने इनकार कर दिया। दूल्हे की मान मनोबल से शुरू हुई बात विवाद में तब्दील हो गई। कन्या पक्ष वालों ने वर पक्ष की जमकर की पिटाई, जिसके बाद कन्या पक्ष वालों ने वर पक्ष की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट की इस घटना में वर पक्ष की ओर से दूल्हा सहित 3 अन्य लोग घायल हो गए। घटना के बाद दूल्हे के स्वजनों द्वारा सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं चिकित्सकों ने बताया कि 3 लोगों को हल्की फुल्की चोट आई है। दूल्हे के चाचा को आई गंभीर चोट, दूल्हे के चाचा को गंभीर चोट आई है जिनका इलाज किया जा रहा है। बाबत जानकारी देते हुए दूल्हा अनिल मिश्रा ने बताया कि मारपीट के दौरान उनके गले में लगा हुआ सोने का चैन तथा दूल्हे की स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में भी तोड़फोड़ किया गया। इस बाबत थाना से पुष्टि करने पर वहां मौजूद SI संजय शर्मा ने बताया कि करहंती गांव में शादी के दौरान बारातियों के साथ मारपीट की घटना हुई थी, जिनकी चिकित्सा सदर अस्पताल में जारी है। हालांकि इस मामले में थाना में कोई आवेदन अभी तक नहीं मिला। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ग्रीन लाइन न्यूज। बाल संस्कार हॉस्टल पिपरा काला गढ़वा में आवासीय सुविधाओं युक्त नवोदय नेतर हार्ट सैनिक स्कूल एवं CHS आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष तैयारी कराई जाती है। दिए गए नंबर पर संपर्क करें।